दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक दुनिया है जहां अक्सर लोग आकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। फिर भी वो संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं, तो वो उस रास्ते को बदल कर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। दरअसल ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं होता जिनका फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं होता है, बल्कि उनके साथ भी होता है जिनका फिल्मी दुनिया में गॉडफादर होता है। और यहाँ तक कि जिस एक्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनके पिता एक मशहूर अभिनेताओं में से एक है, लेकिन वो अपने एक्टिंग का धाक नहीं जमा सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी की। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपने पिता की तरह फिल्मी दुनिया और दर्शकों के बीच छाप नहीं छोड़ पाए। यहां तक कि उनको मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ डेब्यू करने का मौका भी मिला। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, करियर, संघर्ष, फिल्मी जीवन और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्यों उन्हें फिल्मी दुनिया से एक्टिंग को छोड़ केटरिंग का काम करना पड़ा। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कुणाल का जन्म 24 नवंबर 1961 को मुंबई शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई, पिता को बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करता देख उन्हें भी फिल्मों से लगाव हो गया और वो भी आगे जाकर फिल्मों में अभिनय करना चाहते थे। अपने पिता की तरह अपने बेटे को मनोज कुमार एक स्टार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस रूप में ढालना शुरू किया। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें कुछ फिल्मों में अभिनय करने का मौका भी दिया। कुणाल को अभिनय विरासत में मिली, इसलिए जब वो बड़े हुए तब फिल्मों में मुख्य रूप से एक्टिंग करने के लिए एंट्री मारी। उन्होंने साल 1981 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अपने पिता की फिल्म क्रांति से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। भरत और मीनाक्षी के बेटे के किरदार में वो नजर आए, जिसमें वो एक बाल कलाकार के तौर पर शामिल थे। उनके पिता उस फिल्म के निर्देशक और एक्टर दोनों थे। उस फिल्म में दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी और प्रेम चोपड़ा जैसे बड़े कलाकार भी शामिल थे। रिलीज होने के बाद उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। उस फिल्म का हर एक गाना और डायलॉग लोगों की जुबान पर छा गया। दर्शकों ने उस फिल्म को बहुत प्यार दिया। वो उनकी पहली फिल्म साबित हुई। उसके बाद साल 1983 में वो अपने करियर की दूसरी फिल्म घुंघरू में दिखाई दिए। उस फिल्म में उन्होंने युवराज के रूप में अभिनय किया। उस फिल्म में स्मिता पाटिल और शशि कपूर जैसे दिग्गज शामिल थे, लेकिन वो फिल्म उनके करियर के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उसी साल 1983 में उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म में बतौर अभिनेता मुख्य किरदार निभाया, जिसका शीर्षक था कलाकार। वो वही फिल्म थी जिसका गाना नीले नीले अंबर पर लोगों की जुबां पर छा गया था। वो गाना उन पर और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। उस सदाबहार गाने को मशहूर प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार के द्वारा गाया गया था। उस फिल्म में श्रीदेवी एक सह कलाकार थी। वो उनकी तीसरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने रवि कुमार का किरदार निभाया था। उस फिल्म का गाना तो हिट रहा, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। दर्शकों द्वारा उस फिल्म को प्यार नहीं मिला। फिर भी उस गाने की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली। उसके बाद वो कुछ और फिल्मों में नजर आए, जैसे दो गुलाब, आखिरी बाजी, पाप की कमाई, नंबर आदमी, विषकन्या, लेकिन वो सारी फिल्में फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने कुछ साल के लिए फिल्मों से नाता तोड़ लिया। आपको बता दें कि फिल्म आखिरी बाजी में उन्होंने अपनी किस्मत फिर से आजमाई। उसमें वो शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा के साथ दिखाई दिए। फिल्म का निर्देशन विख्यात फिल्मकार शक्ति सामंत के बेटे आशिम सामंत ने किया था। वो फिल्म भी उनके करियर को आगे ले जाने में असफल रही। लगातार फ्लॉप होती फिल्म और खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें कोई भी अपनी फिल्म के लिए साइन नहीं कर रहा था। उनको फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इस कारण कुणाल बहुत निराश हुए और उस निराशा में उन्होंने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस करने का प्लान किया और कुछ समय के लिए वो फिल्मों से दूर हो गए। करीब 8 सालों बाद साल 1999 में उनके पिता ने उन्हें फिर से रिलॉन्च करने की सोची, इसलिए उन्होंने फिल्मों में दोबारा कदम रखा और इस बार वो अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्म जय हिंद में दिखाई दिए। उन्होंने अपने करियर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहे और उनकी वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उनके पिता ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि वो फिल्मी दुनिया में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहां तक उनके पिता का प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया और टीवी सीरियल की तरफ रुख किया। साल 2000 में उन्होंने टीवी धारावाहिक अलग अलग में अभिनय करना शुरू किया। वो धारावाहिक डीडी नेशनल पर प्रसारित होती थी। साल 2009 में आई एक शॉर्ट फिल्म में उन्होंने अभिनय किया, जिसका शीर्षक था कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन। फिल्मों में असफल होने के बाद उनका मन फिल्मों से उठ गया और उन्होंने आगे फिर कभी अभिनय नहीं किया और एक बार फिर साबित हो गया
के फिल्मों में वही राज करता है जिसके अभिनय को दर्शक पसंद करते हैं। उसके बाद वो हमेशा के लिए बिजनेस लाइन में घुस गए। दिल्ली में वो केटरिंग का काम करने लगे और उसी को आगे बढ़ाया। अगर हम उनके निजी जीवन में झांक कर देखें तो वो अपने पर्सनल लाइफ में बेहद खुश नजर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली सगाई पूजा चोपड़ा नाम की एक महिला के साथ हुई थी, लेकिन किसी कारणवश 2001 में उनकी सगाई टूट गई और बाद में उन्होंने साल 2005 में ऋतु गोस्वामी से शादी की और दोनों का कर्म नाम का एक बेटा भी है। उनके पिता मनोज कुमार है, जिसका जिक्र हमने वीडियो में शुरू में ही किया है। मनोज एक महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। बॉलीवुड में सालों साल बीतते हुए उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी हैं और दर्शकों के बीच अपनी लोकप्रियता हासिल की है। और जैसा कि हमने आपको बताया, वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह फिल्मों में कामयाबी हासिल कर ले, मगर ऐसा ना हो सका। वो अब 85 साल के हो चुके हैं। कुणाल की माँ का नाम शशि गोस्वामी को रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी कई और फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म निर्माता विशाल गोस्वामी उनके भाई हैं। वो फिल्म क्लर्क के लिए जाने जाते हैं जो साल 1989 में आई थी। उन्होंने जय हिंद और कलयुग और रामायण जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। उनके दो बच्चे हैं, वंश गोस्वामी और मुस्कान गोस्वामी। कुणाल के चाचा राजीव गोस्वामी भी एक्टर थे। उन्होंने पेंटर बाबू, बॉर्डर और कलयुग और रामायण जैसे कुछ और फिल्मों में सहायक रूप से अभिनय किया था। कुणाल ने फिल्मों में अपना दबदबा और दर्शकों के बीच जगह बनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब रहे। फिर भी उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को कुछ हद तक रोमांचित किया। हालांकि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए, लेकिन अभिनय के इतर वो अपनी जिंदगी में कामयाब रहे। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। आज वो 61 साल के हो गए हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्मों के उन लुप्त कलाकारों की जीवनी लेकर आते रहे। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्मों में चाहे स्टार किड्स हो या फिर कोई और, जिसके अंदर टैलेंट होगा सफलता उसी को मिलती है। इसी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।